एक्सरसाइज 1.1 एग्जांपल नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4. 3 और 4 के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर चाहिए. देखो ये सब है ना, हम दो तरह से कर सकते हैं बराबर, पर यहाँ पे मैं अभी एक ही मेथड बताऊँगा, इजी वाली जो सबसे इजी है. यहाँ पे हमको करना क्या है, 3 एंड 4 के बीच में, तो 3 एंड 4 के बीच में 6 नंबर चाहिए, 6 रेशनल नंबर चाहिए. तो हमको करना क्या, मैं आपको बता दूँ. रेशनल नंबर क्यों क्या बोलते हैं, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं. अब देखो 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो हमको करना क्या है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करो. नीचे कुछ नहीं होता इसलिए 1 होता है, ऐसे बोल सकते हैं. सेम थिंग हियर, यहाँ पे भी हम 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है. इट मीन्स दैट 7 से मल्टीप्लाई किया क्या मैंने, 3 था, 3 को हम 3 बाय 1 बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं. कोई भी नंबर होता है उसके नीचे कुछ डिनोमीटर के अंदर 1 तो होता ही डिफ़ॉल्ट. यहाँ पे 6 बोला इसलिए मैंने क्या किया, एक ऐड करके, मीन्स यहाँ पे 7 से मैंने ऊपर और नीचे दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमेटर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, तो यहाँ पे हमको मिला 7 3 21 अपॉन 7, यहाँ पे क्या मिला 28 अपॉन 7. इसके बीच में जितने नंबर आते हैं, जितने भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, सारे पी बाई क्यू के फॉर्म में ही होंगे. फॉर एग्जाम्पल 22 बाय 7, 23 बाय 7, 24 बाय 7, 25 बाय 7, 26 बाय 7, 27 बाय 7. तो देखो कितने मिले, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मिल गए हमको. ओके, तो ये हमारा आंसर है. तो हमारा आंसर अगर पूछा हो फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, तो हमारा आंसर है 22 बाय 7, 23 बाय 7, 24 बाय 7, 25 बाय 7, 26 बाय 7, 27 बाय 7. ये हमारा आंसर है, मीन्स 6 हो गए. अब आप देखो यहाँ पे 6 बोला था इसलिए एक ऐड करके लिया है, तो एग्जैक्टली हमको 6 मिले. ओके, यहाँ पे अगर 7 पूछा तो यहाँ पे हमको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अगर 9 पूछते तो 10 से मल्टीप्लाई करते, तो आपको ईजिली मिल जाता. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक थम्सअप पर क्लिक करिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए. थैंक यू सो मच.